हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ पार्वती। मैंने म्यूज़िक को इसलिए बंद किया ताकि मैं बात कर सकूँ। अगर म्यूज़िक बजेगा तो मेरा आवाज़ बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो हाँ, अभी क्या बोलूँ। हाँ, याद आ गया। तो मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखती हूँ ना, तो थोड़ा बहुत मुझे ऑन द स्पॉट लाइन्स को याद करना पड़ता है, तो इसलिए रुक जाती हूँ। कभी कभी सोचना पड़ता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो हाँ, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरा आपको कैसा लगा नया नाम? मैंने अपने चैनल का लुक पूरा बदल दिया और उसका नाम भी बदल दिया। आपको कैसा लगा वो बता देना। और ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, सिंपल सा है, बैकग्राउंड अच्छा है, म्यूज़िक आपने सुना है। अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिए। तो हाँ, अभी यहाँ प्रेजेंट बहुत बारिश हो रही है। पता नहीं क्यों समर में इतना बारिश क्यों हो रही है, कहाँ से हो रही है। मतलब आसमान से ही हो रही है, बादलों से हो रही है पता है, लेकिन इतना बारिश अचानक पता नहीं क्यों। चलो, आपके यहाँ हो रहा है कि नहीं कमेंट कर देना। और हम कुछ ऐसा सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। चलो, इसको मैं थोड़ा बहुत प्ले कर दूँ। चलो, हम ऐसे सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो हम थोड़ा अतरंगी, क्योंकि मैं इतने सारे अतरंगी गेम्स खेली चुकी हूँ, मुझे शायद अवार्ड या नो क्या बोलते हैं नॉमिनेशंस भी हो जाएगा शायद उस अतरंगी गेम कैटेगरी में, क्योंकि मैं इतने अतरंगी गेम्स खेलती हूँ। वैसे ही अभी रेटिंग्स जो होते हैं बेसिकली प्ले स्टोर में, जैसे 3+ रेटिंग, 4+ रेटिंग, 5 रेटिंग, तो ऐसे कुछ गेम्स हम खेलेंगे। क्या वो वर्थ इट है कि नहीं, और उन्हें वो गेम्स कैसे होते हैं हम एक्सप्लोर करेंगे। आज हम 3.4 रेटिंग की गेम खेलेंगे जो क्रिट्स फ्रेंडली है। आप इंटरफेस देख लिए। अभी इस गेम का नाम है माइस फॉरेस्ट, जो किड्स के लिए बना है और 3 to 6 ईयर्स के किड्स खेल सकते हैं। और ये टीचर्स अप्रूव्ड गेम है और गूगल प्ले स्टोर में इसका 3.4 स्टार मतलब रेटिंग है। तो चलिए देखते हैं क्या खास है इस गेम में और क्यों इसको 3.4 रेटिंग मिला है। तो हाँ, अब सेलेक्ट साइज कर सकते हैं। हम पहले वाले से स्टार्ट करेंगे और सेलेक्ट थीम में से आप देख सकते हैं गार्डन का है, रिवर का है, रोड्स का है, कैनियन, स्नो, ऐसे बहुत सारे हैं। आप किसी को भी मतलब यूज़ कर सकते हैं, सब अनलॉक ही है। चलो गार्डन ही करते हैं पहला वाला। तो देखो ऑप्शन भी बहुत है कैरेक्टर्स में भी। तो हाँ, ये शायद बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 3 और 6 एक ग्रोइंग स्टेज होता है, तब उनका माइंड को कुछ स्टिमुलेट्स ज़रूरी होती है ताकि वो समझ सके और वो ब्रेन को वर्क कर सके। तो शायद ये थोड़ा बहुत वो काम कर सकती है। और आप बैकग्राउंड देख सकते हैं, अच्छा है, इट्स सिंपल। तो सबको ट्रैक करना पड़ेगा फूड कहाँ है, तो दैट सिंपल। आपको टाइमिंग भी दिखा देंगे, बेस्ट टाइमिंग भी दिखा देंगे कितने में आपने कंप्लीट किया है। अगर नेक्स्ट जोन में जाएगी तो सेम वैसा ही होगा, बेस्ड ऑन योर चॉइस। अभी दूसरे में जाएंगे, देखो 9x4 का लिया हमने, अभी रिवर का लिया है पेपर को लेते हैं, तो कुछ ऐसा होगा। तो हाँ, बेसिकली ये ब्रेन को थोड़ा बहुत ट्रिगर करके थोड़ा बहुत मतलब एक्सरसाइज हो जाएगा, ब्रेन एक्सरसाइज बच्चों के लिए। अभी घूम के तो नहीं जाएंगे, ऐसे ही जाएंगे। देखो उनको पाथ्स पता चल जाएगी थोड़ा बहुत, उसका ब्रेन कैलकुलेट करते जाएगा इस पाथ से नियरेस्ट है कि उस पाथ से। तो आई थिंक इट डिजर्व्स, अच्छा है गेम। 3.4 रेटिंग पता नहीं क्यों है, आप बता देना कमेंट में वर्थ इट है कि नहीं। अभी लास्ट 13x6 का देखेंगे, रोड का देखेंगे और बोनी को देखेंगे। तो आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा एरिया है रोड का। तो देखो आपके चॉइसेस के ऊपर डिपेंड रहेगा ये। ऐसा है गेम तो कि बढ़िया है, मुझे बैकग्राउंड सब कुछ बहुत अच्छा लगा, इसका म्यूज़िक अच्छा लगा। मोर गेम्स फॉर किड्स भी ऑप्शन है, तो आई थिंक आपको ये सजेस्ट करना होगा बच्चों के लिए, बहुत ही अच्छा है। और बता देना कैसा है क्या है कमेंट्स में।
और मेरा नया नाम, मेरे चैनल का नाम कैसा लगा वो सब भी बोल देना कमेंट करके, और डू लाइक शेयर कमेंट तो करना दिल से, और सब्सक्राइब तो करके ही जाना है मेरे चैनल में, आए हो तो करके ही जाओ दिल से, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।